मेरी पिछले दो वीडियो में सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपदा के इफेक्ट के ऊपर मैं बात की थी, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि इसे कैसे आप लोगों को खुद को अच्छी तरह से निकालना है। तो सैटर्न जब पूर्व भाद्रपदा में आ जाएगा 6 अप्रैल को, इसके बाद मैं बोली थी कि इस समय में जो निगेटिव एनर्जी वह है वो हाईली एक्टिव रहेंगी। साथ में क्या होगा कि आप लोगों का अगर कोई कर्ज है ना, आप लोगों को अगर किसी ने कर्ज किया होगा किसी भी लाइफ टाइम में, अगर आप लोगों को किसी ने कर्ज किया होगा तो फिर वो जो कर्ज है वो इस समय में एक्टिवेट हो जाएंगी। साथ में ब्लैक मैजिक भी इस समय ज़्यादा होगी, तो इससे खुद को बचाने के लिए आप लोगों को जो मंत्रा करना है वो है गजेंद्र मोक्षा। गजेंद्र मोक्षा का पाठ इस वक्त आप लोगों को रोज करना है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट रोज करना है आप लोगों को, और इसके बाद भी अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंत्रा का नाम ही है गजेंद्र मोक्षा, जो अल्टीमेटली मोक्ष ही देता है। सारी निगेटिविटी को दूर करके हम लोग जो कर्मा ट्रैप में फंसे हुए होते हैं वो सारी चीज़ों से निकल के हर एक पाप शाप से हम लोगों को निकाल के अल्टीमेटली ये मंत्रा जो है मोक्ष ही देता है। तो इस मंत्रा का पाठ आप लोगों को करना है रोज, साथ में काल भैरव अष्टकम करना है, क्योंकि काल भैरव अष्टकम का जाप करने से राहु केतु शनि की जो निगेटिव प्रभाव है, जो बैड कर्मा के चलते मिलता है, तो वो कट जाता है। तो गजेंद्र मोक्षा के साथ साथ आप लोगों को काल भैरव अष्टकम का पाठ करना है। साथ में आप लोगों को विष्णु सहस्रनाम मंत्रा पाठ करना है, या फिर आप सुन के भी इसे सो सकते हो। और ओम नमः शिवाय का जाप तो आप लोगों को एस अजपा जाप हमेशा करते रहना है। तो इस टाइम में ये सारी मंत्र आप लोग कीजिए, और फॉरगिवनेस प्रेयर को आप लोगों को इस टाइम में बहुत करना होगा। 3 टाइम्स कीजिए, बेस्ट रहेगा 3 टाइम्स कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो भी पास्ट में बैड कर्मा किया होगा उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ये कर्मा एंड का सर्कल है, और कर्मा एंड तभी होगा जब हम लोग उस कर्म को भोग लेते हैं ना, तो तभी ये कर्मा क्लियर होता है। तो आप लोगों को इस समय में सरेंडर और फॉरगिवनेस का प्रेयर करना है। शिवा से विष्णु से हमेशा प्रेयर कीजिए कि आपके सारे कर्मों के लिए, जो भी कर्म आपने जाने अनजाने में किए हो उन सारे कर्मों के लिए आपको माफ़ कर दें, ये प्रेयर कीजिए, आपको माफ़ कर दें, और सबसे माफ़ी मांगिए, सारी जीवात्माएं से आप लोग इस समय में माफ़ी मांगिए कि जिसको भी आपने जिस भी लाइफ टाइम में कोई भी दर्द दिया हो जाने अनजाने में, वो सब आत्माएं आपको माफ़ कर दें। तो ये फॉरगिवनेस प्रेयर आप लोगों को अभी रोज करना है, 3 टाइम्स कीजिए, और साथ में मंत्रा चांटिंग कीजिएगा, तो फिर आप लोग इस समय में पॉजिटिवली खुद को निकाल सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।